अस्सलाम वालेकुम, अरबी लेक्चर के साथ मैं मोहम्मद बिलाल असलम। जो सिलसिला हमने शुरू किया था फंक्शंस का, आज उसे आगे बढ़ाएंगे। कल हमने फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन देखी थी और उसकी जो है वो वैल्यू फाइंड की थी। आज हम फंक्शन के टाइप पढ़ेंगे। एक्चुअली इससे पहले डोमेन और रेंज का टॉपिक है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ताकि आपको फंक्शन का आइडिया हो जाए, फिर उसके बाद हम डोमेन और रेंज पे आएँ। क्योंकि हमें अगर डोमेन और रेंज के बारे में बताना तो हमें सारे फंक्शन का पता होगा, तो फिर हम उसके लिहाज से जो है वो डोमेन रेंज हर फंक्शन की सेपरेट कर लेंगे। तो पहले हम फंक्शन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन। बेसिकली फंक्शन की दो टाइप हैं बेसिकली, और ये आपने याद रखना है कि फंक्शन की टाइप बनाने के भी डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। फंक्शन की टाइप अगर आप डिस्कस करेंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज के लिहाज से, फिर आपको वो फर्स्ट ईयर के याद होंगे, ऑन टू, इन टू, वन टू वन, फिर वो पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर सेकेंड ईयर में फंक्शन की जो टाइप पढ़नी है वो हमने एप्लीकेशन के लिहाज से पढ़नी है, कि फंक्शन के एप्लीकेशन के लिहाज से इसकी कितनी टाइप है। तो फंक्शन की एप्लीकेशन के लिहाज से इसकी बेसिक दो टाइप्स हैं। इसकी एक छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं। फंक्शन की एप्लीकेशन के लिहाज से अगर हम इसकी टाइप्स देखें तो ये फंक्शन को हम दो टाइप्स में जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। पहली इसकी टाइप होगी अलजब्राइक फंक्शंस, फिर पहली टाइप अलजब्राइक फंक्शंस है और दूसरी इसकी टाइप बेसिक होगी ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। दूसरी कौन सी होगी? ट्रांसीडेंटल। अब इन दोनों में फर्क क्या है? ट्रांसीडेंटल फंक्शंस, इन दोनों में फर्क क्या है? हमने जो टाइप्स पढ़नी है वो दोनों की पढ़नी है। इसकी फर्दर आगे टाइप्स हैं पॉलीनोमियल फंक्शंस और मेन दूसरी जो है रैशनल फंक्शन। बाकी जो जितनी भी टाइप आएंगी वो हम इनके अंदर ही डिस्कस करेंगे। अब ट्रांसीडेंटल फंक्शन में तीन तरह के फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फिर सेकंड है आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और थर्ड पे आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो ये सारी डिटेल है जो आज हमने पढ़नी है। इसको तो हम आज नहीं पढ़ सकेंगे, लेकिन ये जो टाइप्स हैं आगे पॉलीनोमियल की फर्दर आगे टाइप्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज। सबसे पहले अलजब्राइक फंक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले आपको अलजब्राइक फंक्शन का आइडिया होना चाहिए कि अलजब्राइक फंक्शन क्या होता है। अलजब्राइक फंक्शन जो हैं वो ऐसे फंक्शंस हैं जिनमें आप अलजब्रा के ऑपरेशन यूज करते हो, जिनमें आपको द फंक्शंस डिफाइंड बाय, इसकी अगर डेफिनेशन करें, द फंक्शन फंक्शंस डिफाइंड बाय अलजब्राइक एक्सप्रेशंस। ऐसे फंक्शंस जिनको हम अलजब्राइक एक्सप्रेशन से डिफाइन करते हैं उन्हें हम कहते हैं आर कॉल्ड अलजब्राइक फंक्शंस। अब इसका मतलब क्या है? अलजब्राइक एक्सप्रेशंस क्या है? अलजब्राइक एक्सप्रेशंस का मतलब आपको पता है, अलजब्रा में हम चार ऑपरेशंस का बेसिक डिस्कस करते हैं, प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, वेरिएबल और कांस्टेंट। इन चीज़ों से मिलकर जो फंक्शन बनते हैं उन्हें हम कहते हैं अलजब्राइक फंक्शंस। तो एक सिंपल सा अगर अलजब्राइक फंक्शन देखें तो एफ ऑफ एक्स बराबर है ए एक्स प्लस बी। अब इसमें हमने क्या यूज़ किए हैं? ए और बी कॉन्स्टेंट है, एक्स वेरिएबल है और ऑपरेशन यूज़ किया हमने एडिशन का। तो ये है एक अलजब्राइक एक्सप्रेशन की जो है वो एग्जाम्पल आपके पास। अब अलजब्राइक ऑपरेशन की जो हमने आगे कहा टाइप्स हैं आगे फर्दर, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉलीनोमियल फंक्शन। पॉलीनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं? ये अलजब्राइक फंक्शन की आगे टाइप है पॉलीनोमियल फंक्शंस। अब पॉलीनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं? पॉलीनोमियल फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं, फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स, एक्स की पावर एन प्लस एन ए एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस अप टू सोन ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर ए वन एक्स प्लस ए जीरो। इस टाइप के जितने भी फंक्शन हैं हम कहते हैं पॉलीनोमियल। अब इसमें आपको काफ़ी चीज़ें नजर आ रही हैं। पहले तो आपको नजर आ रहे हैं कोफिशंट्स ए एन, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, अप टू सोन ए टू, ए वन, ए जीरो। ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं? रियल कोफिशंट्स।
अब कोफिशेंट्स का आपको आइडिया होगा, कोफिशेंट्स क्या होते हैं, कोफिशेंट होते हैं जो वेरिएबल के साथ आ रहे होते हैं, ये एक्स वेरिएबल है तो एक्स के साथ जितने भी नंबर्स हैं ये कोफिशेंट कहलाते हैं, तो ये सारे के सारे कोफिशेंट जो हैं वो रियल होंगे, रियल नंबर में से आएंगे, और ये जो एक्सपोनेंट है एन, एक्सपोनेंट जो आपके होंगे, एक्सपोनेंट्स आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। अब यहाँ पर आपको नॉन नेगेटिव का वर्ड जो है उसका अंदाजा होना चाहिए कि नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है। बेसिकली चार तरह के नंबर होते हैं इस लिहाज से, पहला पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर होते हैं जो वन से ऑनवर्ड, सारे पॉजिटिव, नेगेटिव माइनस वन से ऑनवर्ड। अगर हम नॉन नेगेटिव की बात करें, नॉन नेगेटिव नेगेटिव नहीं, उसमें नेगेटिव तो नहीं आएंगे, उसमें जीरो भी आएगा और पॉजिटिव भी आएंगे, और नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या है, उसमें पॉजिटिव तो नहीं होंगे, उसमें जीरो भी शामिल होगा, जीरो और नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव का मतलब है ऐसे नंबर्स जो नेगेटिव नहीं है लेकिन उसमें जीरो भी शामिल है। खाली अगर पॉजिटिव की बात करेंगे तो उसमें जीरो शामिल नहीं होगा, लेकिन अगर आप नॉन नेगेटिव का वर्ड यूज करेंगे तो उसका मतलब उसमें जीरो भी शामिल है। तो ये नॉन नेगेटिव का मतलब है कि ये जो आपके एक्सपोनेंट हैं ये जीरो भी हो सकते हैं। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन की जो है वो एग्जाम्पल डेफिनेशन, आगे हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे, एक सिंपल सी एग्जाम्पल देखेंगे हम इनकी। सबसे पहले कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन आपके पास, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एफ ऑफ एक्स बराबर है 2x प्लस 1। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 कोफिशेंट है और 1 कॉन्स्टेंट है। अब और सिंपल वर्ड में आप पता कैसे याद रख सकते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन को, डेफिनेशन तो आपने देख ली है। कोई भी फंक्शन देखें आपने उसमें वेरिएबल की पावर चेक करनी है। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब एक्चुअली होल नंबर ही होता है, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर हो तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं, लेकिन अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव में चली गई या फिर आपके पास फ्रैक्शन आ गया तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। जैसे कि अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स की पावर 1/2 प्लस 2। अब यहाँ पे देखें जो वेरिएबल x उसकी पावर 1/2 है। अब ये 1/2 होल नंबर नहीं है, अगर ये होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब है ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन की जो है वो डेफिनेशन भी होगी, एग्जांपल भी होगी। पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में आपने याद रखना है डोमेन एंड रेंज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस polynomial functions R is subset of real numbers। तो इसकी जो डोमेन और रेंज है वो रियल नंबर का सबसेट होती है, इसकी डोमेन और रेंज क्या होती है, रियल नंबर का सबसेट होती है। अब ये चीज़ें क्लियर होगी। अब हम पॉलिनोमियल फंक्शन की जो है वो आगे फर्दर टाइप्स देखेंगे। पहली पॉलिनोमियल की टाइप्स है, टाइप जो जिसको हम डिस्कस करेंगे उसको कह लेते हैं आप लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। अब डिग्री से एक दो चीजें और जो आपको यहां पर याद रखनी है, यहां जो ए एन है इसे कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, ए एन को हम क्या कहते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट, ये ए एन हो गया। अब ये जो आपके पास वेरिएबल चल रहे हैं यहां पर लीडिंग कोफिशिएंट के साथ जो एक्स की पावर है उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये हो गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे ये एग्जांपल आपके पास इसकी डिग्री पूछी जाए तो वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 है, वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 है तो इसका मतलब है इसकी डिग्री 1 है। तो आप डिग्री क्या होगी, आप पूरे एक्सप्रेशन में देखेंगे कि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कहाँ पे है, जो सबसे बड़ी पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी, और सबसे बड़ी पावर के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो लीडिंग कोफिशिएंट होगा। अब यहां पर जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो इस फॉर्म की होगी, उसकी अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो एफ ऑफ पी ऑफ एक्स बराबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपके पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये ए जीरो नहीं हो सकता, यहाँ पर ये कंडीशन है, क्योंकि ए जीरो हो गया तो ये लीनियर हो जाएगी, कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा तो ये लीनियर में चली जाएगी, इसलिए ये कंडीशन याद रखनी है आपने कि ए कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ये कंडीशन तो इसमें मस्ट है कि ए जीरो नहीं हो सकता। अब आगे डिस्कस करेंगे हम दो टाइप और इसकी डिस्कस करनी है हमने, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है,
लीनियर पॉलिनोमियल के लिए आप याद रखेंगे, एक्चुअली मेरा ख्याल है यहाँ पे हमें डस्टर यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमारा काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो गया है, तो इसको मैं रेज कर रहा हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर दोबारा वापस आते हैं। होपफुली कि आपको क्लियर हो रही है चीज़ें। अब देखते हैं यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हम देखते हैं, लीनियर वर्ड से आपको समझ आ रहा है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी है वो सेकंड डिग्री होती है, तो यहां पर मैक्सिमम पावर 2 है, उससे हमने कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वैसे लीनियर जो है, लीनियर का मतलब होता है 1, तो ऐसी पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 हो, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, इसकी डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं हम, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, ऐसी पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 1 हो उन्हें हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड, इनकी डोमेन और रेंज क्या होती है। इनकी डोमेन एंड रेंज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स आर रियल नंबर्स। तो यहाँ पर आपको दो पॉइंट इसके मिल गए। एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसकी डेफिनेशन है कि ऐसी पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 1 होने हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, और इसकी डोमेन और रेंज क्या होती है। डोमेन एंड रेंज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स आर रियल नंबर्स। तो इसकी डोमेन जो है वो रियल नंबर्स होते हैं। इनकी अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + b, इसको हम क्या कहेंगे ax + b। तो ये इसकी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म भी याद रखनी है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। और साथ कंडीशन है कि a कभी जीरो नहीं हो सकता। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप इसमें याद रखेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए। MCQs में अक्सर ये पूछी जाती है कि लीनियर कोई भी पॉलिनोमियल दे दी जाती है और उसका पूछा था ग्राफ कैसा बनेगा। जैसे क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक के ग्राफ पैराबोलास बनते हैं, तो वहाँ भी आप याद रखेंगे कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उनके ग्राफ कैसे बनते हैं, उनके ग्राफ पैराबोला बनते हैं। और लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ कैसे बनते हैं, उनके ग्राफ बनते हैं हमारे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन। तो उसके बाद एक डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है उसमें आप याद रखेंगे, आइडेंटिटी पॉलिनोमियल। इसमें आप लोग क्या याद रखेंगे, आइडेंटिटी क्या होती है। ये भी पॉलिनोमियल है जिसमें आप जो पुट करेंगे वही आपको आंसर मिलेगा। इस तरह की फॉर्म, इसकी जनरल फॉर्म इस तरह की होती है, i(x) = x। आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी, एक्स जो ये बेसिकली ये सेम सेट पे होती है, x पे आप जो पुट करेंगे आपको वही मिलेगा। तो इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बनता है क्योंकि ये लीनियर की एक टाइप है। इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बनता है लेकिन इसका ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास करते हैं। तो ये याद रखना आपने कि आइडेंटिटी पॉलिनोमियल क्या होती है, ऐसी पॉलिनोमियल जो सेम सेट पे होती है, इसकी डोमेन भी जो है वो वही सेट है और इसकी रेंज भी वही सेट है। तो डोमेन और रेंज इसमें दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी, एक्स ही डोमेन है और एक्स ही इसकी क्या है, रेंज, डोमेन एंड रेंज। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई कि अगर आपको पूछा जाए आइडेंटिटी पॉलिनोमियल की डोमेन और रेंज क्या है, तो जिस सेट पर है वही सेट उसकी डोमेन है और वही सेट उसकी क्या है, रेंज। तो ये कुछ टाइप थी, होपफुली आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके साथ एक दो टाइप्स हैं लेकिन हम वो जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के साथ। ठीक है, तो मज़ीद अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ ऐसी जो आपको क्लियर नहीं हुई, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि आपका जो वो प्रॉब्लम है वो मैं जल्द से जल्द दूर कर सकूं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और खुदा हाफिज़ कहने से पहले ये है कि हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे अच्छे अच्छे लेक्चर आपको जो है वो डेली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।